आप देख रहे हैं नंबर वन सूत्रा जनता मांगे जवाब। नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूँ रश्मि गौरी। छत्तीसगढ़ में अब संस्कृति पर सियासत शुरू हो गई है। दरअसल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ी भाषा को प्राथमिकता के साथ 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग करते हुए प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है। दूसरी ओर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने भूपेश बघेल के इस पत्र को एक और राजनीतिक धोखा करार दिया है। रमन सिंह के मुताबिक इस छत्तीसगढ़ी भाषा के मुद्दे पर दोहरे राजनीतिक चरित्र वाली कांग्रेस अब पूरी तरह से बेनकाब हो चुकी है। लेकिन सवाल वही है कि जब बात संस्कृति की है तो फिर छत्तीसगढ़ी को 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग पर समर्थन की जगह आखिर सवाल क्यों है। राज्य निर्माण के 20 साल बाद भी छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी शिक्षा और सरकारी कामकाज की भाषा आखिर क्यों नहीं बन सकी? क्या इसके लिए सरकारें जिम्मेदार नहीं है क्या? और क्यों वाकई में 8वीं अनुसूची की मांग राज्य की अस्मिता के साथ छलावा है? आज इस बेहद ही खास मुद्दे पर विस्तार से हम बात करेंगे और साथ ही रुख मध्य प्रदेश का करेंगे, जहां पर 27 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनावों को लेकर बीजेपी और कांग्रेस पूरी तरह से एक्टिव मोड में आ गई है। दोनों दलों के दिग्गज नेता अपनी अपनी पार्टी के लिए माहौल बनाने में जुट गए हैं और हालांकि इस चुनाव में कांग्रेस के मुकाबले बीजेपी की राह कुछ आसान नजर आ रही है, क्योंकि उसे सत्ता में बने रहने के लिए महज 9 सीटें ही जीतनी है, जबकि कांग्रेस को सरकार बनाने के लिए तकरीबन सभी सीटों पर जीत हासिल करना है, जो काफी मुश्किल लग रहा है और है भी। हालांकि उपचुनाव की जंग से पहले सत्ताधारी दल में असंतोष की आहट भी अब सुनाई देने लगी है और सवाल ये उठ रहा है कि क्या कांग्रेस इसका फायदा उठा पाएगी या बीजेपी सबकी नाराजगी को दूर कर देगी? सत्ता के लिए होने वाले इस संग्राम में सफलता आखिर किसे हासिल होगी, और इस पर भी हम आज चर्चा करेंगे। लेकिन शुरुआत छत्तीसगढ़ से करते हैं, क्योंकि यहां पर संस्कृति पर सियासत हो रही है। छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी भाषा को लेकर सियासत गरमा गई है और संस्कृति और अस्मिता से जुड़े विषय पर कांग्रेस और भाजपा दोनों आमने सामने आ गए हैं। वैसे प्रदेश का सियासी माहौल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की उस चिट्ठी के बाद और ज्यादा गरमा गया है, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री से छत्तीसगढ़ी को 8वीं अनुसूची में शामिल किए जाने की मांग की है। राज्य सरकार की इस मांग पर विपक्ष ने सवाल खड़े किए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने तो उसे प्रदेशवासियों के साथ छल कह दिया है। इस बेहद ही अहम विषय पर चर्चा की शुरुआत करें, आइए उससे पहले देख लेते हैं ये रिपोर्ट। किसी भी राज्य की संस्कृति और अस्मिता का मूल प्रतीक उस राज्य की भाषा होती है। छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी भाषा राज्य की वैश्विक पहचान और आत्मा है, लेकिन दुर्भाग्य है कि करीब 3 करोड़ की आबादी वाले राज्य में 2 करोड़ से अधिक लोगों की मातृभाषा छत्तीसगढ़ी राज्य की राजभाषा होकर भी शिक्षा और सरकारी कामकाज की भाषा आज तक नहीं बन पाई। इसके पीछे सरकारें राष्ट्र की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं होने का तर्क देती है। खैर, राज्य निर्माण की 20 बरस बाद आज भी ये सवाल कायम है, लेकिन मौजूदा संदर्भ तो छत्तीसगढ़ी को लेकर राज्य में हो रही सियासत को लेकर है। मौजूदा संदर्भ को बताएं, चलिए उसके पहले छत्तीसगढ़ी का कुछ संक्षिप्त इतिहास आपको बता देते हैं। छत्तीसगढ़ी भाषा का प्रयोग दंतेवाड़ा स्थित दंतेश्वरी मंदिर के शिलालेख में मिलता है। हिंदी से भी पुराना व्याकरण छत्तीसगढ़ी का है। साल 1880 में हीरालाल काव्योपाध्याय ने छत्तीसगढ़ी का व्याकरण तैयार किया था। 1890 में प्रसिद्ध भाषा शास्त्री जॉर्ज ए ग्रेसर ने छत्तीसगढ़ी व्याकरण का अनुवाद किया था। 28 नवंबर 2007 को छत्तीसगढ़ी राजभाषा आयोग विधेयक विधानसभा में पारित किया गया था। 28 नवंबर को हर साल छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस मनाया जाता है। इन सभी आधारों पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखते हुए कहा है कि छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी की उपबोलियां और कुछ अन्य भाषाएं भी प्रचलन में हैं, लेकिन राज्य की बहुसंख्यक जनता की भाषा और अन्य क्षेत्रीय बोलियों के साथ संपर्क भाषा छत्तीसगढ़ी है। छत्तीसगढ़ी सांस्कृतिक और साहित्य दृष्टिकोण से एक समृद्ध भाषा है।
ऐसे में 3.25 करोड़ लोगों की भावना के अनुरूप में छत्तीसगढ़ी को 8वीं अनुसूची में शामिल करने का आप सकारात्मक निर्णय लेंगे। छत्तीसगढ़ी भाषा को उसको बारहवीं भाग नहीं मिला, इसलिए मैंने प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखकर छत्तीसगढ़ी को 8वीं अनुसूची में स्थान दिलाने का आग्रह किया है। हालांकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की इस मांग को पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह समेत भाजपा नेताओं ने छलावा बताया है। डॉक्टर रमन सिंह ने कहा है कि भाजपा के सुशासन ने छत्तीसगढ़ को देश विदेश के मानचित्र में स्थापित कर छत्तीसगढ़ की गौरव और मान सम्मान को बढ़ाने का काम किया, छत्तीसगढ़ी को राजभाषा का दर्जा दिया, तो आज कांग्रेस प्रथा गाल बजाकर अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने पर आमदा नजर आ रही। विपक्ष के वार पर कांग्रेस ने भी पलटवार किया है। सत्ताधारी दल के मुताबिक बीजेपी के बयान छत्तीसगढ़ विरोधी हैं। मजाक करते हैं छत्तीसगढ़ के लोगों के साथ ये, क्या इनकी छत्तीसगढ़ के अस्मिता के बारे में इनकी क्या सोच है? कभी इन्होंने कल्पना की थी छत्तीसगढ़ राज्य बनाने की? देश और विदेश में छत्तीसगढ़ी साहित्य, छत्तीसगढ़ी संस्कृति को जाना जा रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी के नेता सदमे में है। और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का यह छलावा वाला बयान निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़िया वाद के विरोध के रूप में सामने आ रहा है। खैर, इन बयानों के बीच सवाल यही है कि संस्कृति पर सियासत क्यों? बात जब भाषा को मान और सम्मान दिलाने की है तो फिर समर्थन की जगह सवाल क्यों? क्या वाकई में सियासत में बढ़कर छत्तीसगढ़ी अब तक 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं हो पाई है? आखिर भाषाई अस्मिता पर पक्ष और विपक्ष साथ क्यों नहीं है? स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से वैभव शिव पांडे की रिपोर्ट। संस्कृत पर सियासत इस बेहद ही खास चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ एक बेहद ही खास पैनल जुड़ गया है। आइए तारुफ आपका करवा देते हैं। रायपुर स्टूडियो में इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस प्रवक्ता सुशील आनंद। आनंद जी, बहुत स्वागत है आपका। भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता है नरेश गुप्ता जी। गुप्ता साहब, बहुत ही ज्यादा स्वागत है आपका हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। स्वराज एक्सप्रेस छत्तीसगढ़ के संपादक मनोज सिंह बघेल जी जुड़ गए हैं। बघेल साहब, आपका भी बहुत स्वागत है। और इस वक्त भोपाल स्टूडियो से मौजूद हैं हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी। शर्मा जी, बहुत स्वागत है आपका। चर्चा की शुरुआत करती हूँ और सबसे पहले मैं गुप्ता साहब आपके पास आना चाहूंगी। सवाल मेरा बेहद साफ है और दो शब्दों में ही सवाल करूंगी कि जिसकी मांग रमन जी भी करते थे, बीजेपी सरकार में भी जिसकी मांग की जा रही थी, उसी मांग को अगर भूपेश बघेल ने आगे बढ़ा दिया, मुख्यमंत्री ने आगे बढ़ा दिया, तो दिक्कत क्या है? देखिए, आपको बड़ा स्पष्ट बता दूं, ये छत्तीसगढ़ की सरकार जो है सिर्फ बनावटी बातें करती है। इन्हें कोई छत्तीसगढ़ या छत्तीसगढ़ की जनता से कोई लेना देना नहीं है। देखिए, छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी की अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली सरकार ने भारतवर्ष के स्वतंत्रता के 53 वर्ष बाद भारतवर्ष के नक्शा में छत्तीसगढ़ को स्थापित किया। और यही भारतीय जनता पार्टी की रमन सिंह के नेतृत्व वाली सरकार ने 2007 में छत्तीसगढ़ी को राजभाषा का दर्जा दिया। और ये छत्तीसगढ़ी की बात करते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद उन्होंने कितने छत्तीसगढ़ से बाहर के लोगों को राज्यसभा सदस्य बनाया। अभी जो राज्यसभा सदस्य हैं, उन्होंने तो नॉमिनेशन भरने के बाद सर्टिफिकेट लेना उचित नहीं समझा। छत्तीसगढ़ियों का और क्या अपमान होना चाहिए? अरे गुप्ता जी, वो तो इनका पैरोगेटिव हो गया कि उनके राज्यसभा सांसद है, उन्होंने सर्टिफिकेट लेना जरूरी समझा नहीं समझा, वो उनका पर्सनल पैरोगेटिव है। सवाल ये है कि ये इग्नोरेंस है। छत्तीसगढ़ियों को कैसा दरकिनार करते हैं उसका एग्जाम्पल है। और आपको बता रहा हूँ, आज तक छत्तीसगढ़ राज्य कोरोना में त्राही त्राही हो रही है, है ना? एक शब्द नहीं कहा। कोरोना पे मत जाइए, क्योंकि कोरोना पे बात होगी तो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड भी निकल आएगा। नरेश गुप्ता जी, कोरोना पे बात होगी तो अन्य राज्य भी निकल आएंगे। कम टू द पॉइंट। पॉइंट में आ रहा हूँ, सभ्यता और संस्कृति, ये सभ्यता और संस्कृति की बात करते हैं जो छत्तीसगढ़ को इग्नोर कर रहे हैं। अब आपको बता, मुख्यमंत्री की सभ्यता और संस्कृति की बात करते हैं, मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ के पूरी माताओं और बहनों को सबसे बड़ा त्यौहार है, यह छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा त्यौहार है तीजा और पोरा, मनाने के लिए बंदिश है। अच्छा। गांव गांव में मुनादी कर दी गई है, क्यों नहीं जाए? और मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री निवास पर कांग्रेस के नेताओं के साथ तीजा और पोरा का त्यौहार मनाते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग कुछ नहीं है, जनता के लिए सारा प्रतिबंध है। ठीक है, देखो छत्तीसगढ़ की जनता के साथ कैसे
ऐसा भेदभाव है। ठीक है गुप्ता जी, संज्ञान में ले आती हूँ। गुप्ता जी भले दूसरे प्रदेश की बात है, संज्ञान में ले आती हूँ। बीजेपी की सरकार मध्य प्रदेश में है और यहाँ पे ईद पे भी लॉकडाउन कर दिया गया था, तो इसलिए इस तरह की अनर्गल बातें मत कीजिए और बेतुके तर्क देने की आवश्यकता नहीं है, बेतुके तर्क देने की आवश्यकता नहीं है। कोरोना काल आप क्या चाह रहे हैं, तीस त्योहार पे ढील दे दी जाए, और कोरोना को और ज्यादा बढ़ावा दे दिया जाए, फिर आप लोगों को ये मौका मिल जाए कि भाई देखिए सरकार तनिक गंभीर नहीं है। आनंद जी आखिर क्या वजह है? ठीक है आनंद जी, इलेक्शन क्यों लिया? आपकी बातों को और आगे बढ़ाता हूँ। हाँ बढ़ाइए। इतनी बड़ी चिंता करते हैं ये, इतनी बड़ी चिंता करते हैं कि मुख्यमंत्री हाउस के आसपास की चारों साइड की सड़कें बंद और जनता के लिए उनका कंटेनमेंट जोन जो है, कंटेनमेंट जोन उनका घर है, ये छत्तीसगढ़ियों की चिंता है इनकी। और मुख्यमंत्री निवास के आसपास पिछले 1.5 महीने से ज्यादा समय से सड़कें बंद, ये छत्तीसगढ़ के प्रति इनकी सोच बताता है, ये सामंतवादी प्रवृत्ति बताते हैं। एक बार भोपाल का रुख कर लीजिए, एक बार भोपाल का रुख कर लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि मुख्यमंत्री के निवास के आसपास। चलिए ठीक है, आप मुद्दे पे नहीं बात कर रहे हैं, अफसोस हो रहा है मुझे अफसोस हो रहा है। ठीक है आ रही हूँ आपके पास, आ रही हूँ। सुशील आनंद जी इतना डुअल स्टैंडर्ड क्यों है भाई बताइए? गंभीर आरोप यहाँ पे लगा रहे हैं, क्यों इतना डुअल स्टैंडर्ड कर रहे हैं कि आप एक तो कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री है और छत्तीसगढ़ के बारे में ही मुख्यमंत्री जी सोच रहे हैं, उस वक्त तीज त्योहार मनाने पे आपने पाबंदी लगा दी, आरोप यहाँ पे गुप्ता जी लगा, मुनादी कर दी सारी चीजें। भाई स्टैंड क्लियर रखिए ना, आप तो अच्छा काम कर रहे हैं लेकिन विपक्ष नहीं मान रहा है ना कि आप अच्छा काम कर रहे हैं, तो क्लियरिफाई तो कीजिए कि आप जो अच्छा काम कर रहे हैं वो कैसे विपक्ष माने, कैसे आपसे सहमत हो। देखिए मैं बता दूं आपको, इनकी पीड़ा इसी बात की है कि जो 15 साल तक इन्होंने नहीं किया, जो छत्तीसगढ़ की भाषा संस्कृति और अस्मिता के संरक्षण का काम जो इन्होंने नहीं किया, पिछले 1.5 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार जाने के बाद, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद, भूपेश बघेल के मुख्यमंत्री बनने के बाद, कैसे छत्तीसगढ़ में भाषा और संस्कृति के संरक्षण का काम किया जा रहा है। भूपेश बघेल जी ने माननीय प्रधानमंत्री जी को एक पत्र लिखा कि छत्तीसगढ़ी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाए, शामिल करने के उन्होंने ठोस आधार भी दिए। छत्तीसगढ़ी भाषा का हमारा साहित्य समृद्ध है, छत्तीसगढ़ी भाषा में 3.25 करोड़ लोग बोलते हैं, इन सब आधार के बाद में माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा। अब चाहिए तो यह था कि छत्तीसगढ़ के 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, छत्तीसगढ़ से 9 बार भारतीय जनता पार्टी के सांसद चुनाव जीतते गए हैं, छत्तीसगढ़ से भारतीय जनता पार्टी के 3 राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं, छत्तीसगढ़ से भारतीय जनता पार्टी की 1 केंद्रीय मंत्री भी हैं, इन सबको भी मुख्यमंत्री जी के इस पहल का स्वागत करना चाहिए। आखिर भाई ये छत्तीसगढ़ी भाषा, ये हम छत्तीसगढ़ियों की अस्मिता का सवाल है, यदि देश की 8वीं अनुसूची में, संविधान की 8वीं अनुसूची में छत्तीसगढ़ी भाषा शामिल हो जाएगी तो ये पूरे प्रदेश का गौरव बढ़ेगा। 22 भाषाएं अभी शामिल है। और दूसरी बात कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने, देश की केंद्र सरकार ने एक नई शिक्षा पद्धति ले आए हैं जिसमें साफ साफ लिखा गया है कि स्थानीय भाषा में हाई स्कूल तक की शिक्षा दी जाएगी। यदि छत्तीसगढ़ी भाषा को देश की 22 भाषाओं में या 8वीं अनुसूची की भाषाओं में नहीं शामिल किया जाएगा तो कैसे आप, किस संवैधानिक आधार पर आप स्थानीय भाषा में बच्चों को शिक्षा दे पाएंगे? मुख्यमंत्री जी की यह शिक्षा है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के समय में छत्तीसगढ़ के जो तीज त्योहार थे उनको भुला दिया गया, छत्तीसगढ़ की भाषा को कुठाराघात करने का प्रयास किया गया। देखिए आज मुख्यमंत्री निवास में तीजा पोला का आयोजन होता है, मुख्यमंत्री निवास में बालों के लिए हर शक्ति का आयोजन किया जाता है, इनसे भारतीय जनता पार्टी को दिक्कत होती है। गुप्ता जी कह रहे थे कि छत्तीसगढ़ियों से अगर आपको इतना ही प्रेम था तो जिस तरह से राज्यसभा चुनाव हुए थे उस वक्त आपने फूले देवी नेताम को भेजा, बहुत अच्छी चीज है, लेकिन भाई KTS गिल इनको क्यों भेज दिया गया? वो तो छत्तीसगढ़िया नहीं है ना, तो विपक्ष तो सवाल करेगा ना फिर आपसे। ऐसा है कि जो देश की संसद बनी हुई है उसमें सबका प्रतिनिधित्व होता है। यदि यह सवाल किया जा सकता है कि KTS तुलसी छत्तीसगढ़ से क्यों आए तो नरेंद्र मोदी किस हैसियत से उत्तर प्रदेश के वाराणसी में जाकर चुनाव लड़े?
भाई यदि इस प्रकार से संकीर्णता की बात करेंगे, आप छत्तीसगढ़ी भाषा को क्या जाता था? यदि मुख्यमंत्री जी ने पत्र लिखा था मुख्यमंत्री जी ने, तो आपको उसका विरोध करने क्या हो सकता है? कलाई आपकी खुल गई। मुख्यमंत्री जी ने पत्र लिखा था, चाहिए थे था कि उसके समर्थन में रमन सिंह जी पत्र लिखते कि माननीय प्रधानमंत्री जी जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री मांग कर रहे हैं, हमारा भी समर्थन है कि छत्तीसगढ़ी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। तब तो इनका छत्तीसगढ़ के प्रति सम्मान दिखता। सिर्फ दलीय संकीर्णता में, सिर्फ दलीय प्रतिबद्धता के कारण कांग्रेस के मुख्यमंत्री ने पत्र क्यों लिखा, इसलिए आप विरोध करेंगे तो देश के प्रदेश की जनता कैसे आपको माफ करेगी? कहीं ना कहीं तो इससे साफ होता है कि आपको छत्तीसगढ़ के लोगों को सिर्फ आपने शोषक बना के रखा है। छत्तीसगढ़ के लोगों को आप नहीं चाहते उनकी उन्नति हो। छत्तीसगढ़ की भाषा संस्कृति, यदि छत्तीसगढ़ी भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल हो जाएगी तो हमारे साहित्यकारों का सम्मान होगा। देश में मिलने वाला ज्ञानपीठ पुरस्कार, देश में मिलने वाला साहित्य अकादमी पुरस्कार में छत्तीसगढ़ी भाषा के साहित्यकारों को मिलेगा। हमारे लोगों को शिक्षा मिलेगी हाई स्कूल तक की, जो अभी नई शिक्षा नीति आ रही है। तो भाई इसमें तो कम से कम प्रदेश की जो अस्मिता है उसमें तो राजनीति मत करो। क्यों इतनी नफरत करते हो आप छत्तीसगढ़ी भाषा संस्कृति से? ठीक है, जान लेते हैं। मैं मनोज जी आपका रुख करना चाहूंगी। मनोज जी, लग रहा है क्या आप भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि सिर्फ अब पॉलिटिकली माइलेज गेन करने के लिए दोनों ही जो राजनीतिक दल हैं, जो अभी इस वक्त मौजूदा सरकार में कांग्रेस है और अब विपक्ष में जिस तरह से बीजेपी पहुंच गई है, कौन कितना ज्यादा पॉलिटिकली माइलेज गेन कर ले, सिर्फ उसकी ही कोशिश की जा रही है? देखिए रस, ये बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है। काफी सालों से छत्तीसगढ़ के जो छत्तीसगढ़ से जुड़े लोग हैं, छत्तीसगढ़ से प्यार करने वाले लोग हैं, हालांकि राजभाषा का दर्जा छत्तीसगढ़ी को दिया जा चुका है, लेकिन लंबे समय से इस बात को लेकर आंदोलन किया जा रहा है कि प्राइमरी शिक्षा में छत्तीसगढ़ी को अनिवार्य रूप में शामिल करें। एक भाषा के रूप में ये मांग तो है, इसके अलावा माध्यम के रूप में कि पूरी पढ़ाई जो प्राइमरी शिक्षा है वो मातृभाषा में होनी चाहिए। जिस तरह से अभी नई शिक्षा नीति में ये बात की गई है कि प्राइमरी शिक्षा जो है वो मातृभाषा में होने से जो बच्चा है वो ज्यादा अच्छे से ग्रास्प करता है और उतना ही तेज बाद में उसका बौद्धिक विकास होता है। इस बात को लेकर लगातार बहस चल रही है कि क्या इसको छत्तीसगढ़ी को जो है माध्यम बनाया जा सकता है, नहीं बनाया जा सकता है। हमेशा ये देखा गया है कि नौकरशाही जो है इसमें अड़ंगा लगाती है, टेक्निकल उसको बाधा बताती है कि ये भाषा जो है 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। इस कारण से इस माध्यम में पढ़ाई नहीं हो सकती। जबकि बहुत सारे उदाहरण हमारे पास हैं जिसमें ये जरूरी कतई नहीं है कि 8वीं अनुसूची में कोई भाषा शामिल हो तभी उसको पढ़ाई का माध्यम बनाया जा सकता है। ये केवल नौकरशाह है जो सरकारों को भ्रमित करते रहे हैं। ये बात भाजपा शासन काल में भी देखने में आई थी, कमोबेश अभी भी यही स्थिति है। जो छत्तीसगढ़ी राजभाषा आंदोलन के लिए एक संस्था काम कर रही है, नंद किशोर शुक्ला जी उसके अध्यक्ष, उनसे मेरी लंबी चर्चा होती है। उनके पास कई सारे ऐसे उदाहरण हैं जिसमें उन्होंने बताया कि 8वीं अनुसूची में शामिल होना जरूरी नहीं। ये जरूर है कि 8वीं अनुसूची में यदि छत्तीसगढ़ी भाषा को शामिल किया जाता है, जैसा कि शुक्ला जी ने बताया कि उससे क्या है कि एक पूरे देशव्यापी पहचान मिलती है। यूपीएससी जैसे परीक्षाओं में आप छत्तीसगढ़ी के भाषा को चुन सकते हैं, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल सकता है, ये और भी दूसरे पुरस्कार जो भाषा और साहित्य से संबंधित है वो मिल सकता है और देशव्यापी पहचान होती है, ये एडवांटेज है। लेकिन अभी मुख्य विषय जो जिस पर सियासत हो रही है वो यही है कि छत्तीसगढ़ी में छत्तीसगढ़ी को क्या प्राइमरी शिक्षा का माध्यम बनाया जाएगा या नहीं बनाया जाएगा, इस बात को लेकर बहस छिड़ी हुई है। ये लड़ाई काफी दिनों से चल रही है, पहले भी भाजपा की जब सरकार थी उस समय भी इसी टेक्निकल पेज को लेकर मामले को टाला जाता रहा कि 8वीं अनुसूची के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। हालांकि जो है उस प्रयास में सफलता नहीं मिली और अभी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस आशय का एक पत्र लिखा है। नई शिक्षा नीति के अभी चारों तरफ चर्चा है और मांग भी चारों तरफ से उठ रही है कि छत्तीसगढ़ी माध्यम में प्राइमरी स्कूल की शिक्षा हो, ये कम से कम सरकारी स्कूलों में अनिवार्य किया जाए। लेकिन अभी भी इसी तरह से इस मामले को घुमाया जा रहा है कि 8वीं अनुसूची में जब तक छत्तीसगढ़ी को शामिल नहीं किया जाएगा तब तक इसको पढ़ाई का माध्यम नहीं बनाया जा सकता। समस्या इसी बात को लेकर है और इसी के लिए मुख्यमंत्री ने पत्र लिखा है जिस पर यह सियासत हो रही है। तो निश्चित तौर पर इस पे राजनीति हो रही है और दोनों ही राजनीतिक दल इसको अपने अपने पक्ष में
मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। सर मुझे क्या वाकई में लगता है कि जब तक छत्तीसगढ़ी भाषा को आठवीं, जिस तरह से यहाँ पे मेरे वरिष्ठ सहयोगी बता रहे हैं कि अगर इसको जब तक शामिल नहीं किया जाता है तब तक मतलब इसको हम ना तो सरकारी कामकाज की भाषा बना सकते हैं, ना ही स्कूलों में मतलब छत्तीसगढ़ी माध्यम से बच्चों की शिक्षा सम्पन्न हो सकती है, तो क्या वाकई में इतनी ही दिक्कत है या दोनों ही पार्टियां सिर्फ पॉलिटिकली माइलेज स्टंट के लिए इस तरह की कवायदों में जुड़ गई हैं? देखिए मोटे तौर पर ये बात तो सही है कि जो भी राजनीतिक दलों की सरकारें जो निर्णय लेती हैं उसमें कहीं ना कहीं राजनीतिक लाभ, पॉलिटिकल माइलेज तो उसमें निहित होता है, लेकिन फिर भी यदि छत्तीसगढ़ को राजभाषा बना गए थे रमन सिंह, अब उसको एक कदम आगे बढ़कर के बघेल साहब ने चिट्ठी लिखी है, मैं समझता हूँ भाषा के मुद्दे को राजनीति से अलग हटकर के दोनों दलों को देखना चाहिए, और छत्तीसगढ़ अगर अनुसूची में शामिल होती है और 23वीं भाषा बनती है और स्कूलों में अगर पढ़ाई होती है तो मैं समझता हूँ इसमें किसी को कठिनाई नहीं होना चाहिए। उसका एक कारण है कि पहले जो कुछ हो गया वो तो हो गया, अब प्रधानमंत्री जी खुद बार बार इस बात को कह रहे हैं कि लोकल को वोकल बनिए, लोकल के ऊपर वोकल बनिए, ये प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं। फिर अभी उन्होंने एक जो भाषा का नया फार्मूला दिया है, उन्होंने कहा कि सब लोग अपनी लोकल भाषाओं में पढ़ाइयां शुरू करें, तो मैं समझता हूँ इस पर ज्यादा बहुत विरोध की आवश्यकता नहीं है। भाजपा यदि ये कोशिश करे कि ये क्रेडिट वो खुद ले ले कि भाई 2007 में हमने राजभाषा घोषित कर दी थी, ये उसका अगला कदम है। ऐसे कितने निर्णय होते हैं, सरकारें जब निर्णय लेती है तो विपक्ष उसका स्वागत करता है। मध्य प्रदेश में मैं तो उदाहरण दूं कि पिछली जब सरकार थी कमलनाथ जी की और उन्होंने जब मिलावटियों के खिलाफ अभियान चलाया तो भाजपा ने उसका स्वागत किया था। अभी कल परसों जब ये कहा कि स्थानीय साधनों पर स्थानीय लोगों का हक है, उसका कांग्रेस ने स्वागत किया। अब किंतु परंतु लगा करके फिर विरोध करना वो एक राजनीतिक दिशा हो सकती है, लेकिन भाषा का कि छत्तीसगढ़ के बच्चे छत्तीसगढ़ी में पढ़े, मैं समझता हूँ इसका विरोध नहीं होना चाहिए, और बल्कि भाजपा को ये कोशिश करना चाहिए कि उसका अनुसूची शामिल करा ले, और जब तक अनुसूची में शामिल नहीं होता तब तक ऐसा क्या रास्ता हो सकता है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने कहा कि लोकल भाषा में पढ़ाई हो, तो मैं समझता हूँ उसके अनुरूप का ये कदम होगा, राजनीति से ऊपर उठ करके इस पर बात होनी चाहिए। बिल्कुल नरेश गुप्ता जी, आरोप प्रत्यारोप जिस तरह से वरिष्ठ यहाँ पे हमारे साथ पत्रकार हैं रमेश शर्मा जी भी कह रहे हैं कि भाई राजनीति से ऊपर उठकर भी अब सोचने की जरूरत है, जो कदम आप लोगों ने 2007 में उठाया उसी कड़ी में अब भूपेश सरकार अगर आगे बढ़ रही है तो यहाँ पे स्पीड ब्रेकर की तरह काम करने से बेटर है कि कैसे मतलब आप लोग स्पीड में जाएं और कैसे मतलब इसको आठवीं अनुसूची में शामिल करवाएं, इसको लेकर सोचना चाहिए, ना कि आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू कर देना चाहिए। ठीक है, राजनीति करने के तो मौके कई आते रहेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, भूपेश बघेल जी जिस दिन शिक्षा नीति लागू हुई तब उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ी भाषा में बच्चों को पांचवी तक, कांग्रेस के पदाधिकारी समझ लें, आज हाई स्कूल तक नहीं है, पांचवी तक है, पांचवी तक की बात हुई है नई पॉलिसी में, पांचवी तक हम नहीं पढ़ा सकते, हमारे बच्चे पिछड़ जाएंगे, ये शब्द माननीय मुख्यमंत्री जी का था। पुरानी शिक्षा नीति और नई शिक्षा नीति में बड़ा आमूलचूल परिवर्तन है। पुरानी शिक्षा नीति के बजाय आज ये बोल दिया गया कि आपकी लोकल भाषा में आपको पढ़ाना है, ये शिक्षा का पार्ट है, इससे डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है, आप उसको पढ़ा सकते हो, और उसके बाद ये सब आप पढ़ा नहीं सकते, बच्चे पिछड़ जाएंगे, उनका 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 वैल्यू एडिशन नहीं होगा, ये किसके लिए बोलते हैं, शिक्षा नीति का विरोध में बोलते हैं। और दूसरी बात आठवीं अनुसूची में ले जाने की बात करते हैं, ये डुअल स्टैंड है, राजनीति भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रही है, भूपेश बघेल जी बात कर रहे हैं, इनके स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंह भी बोलते हैं हमारे 6 साल प्रस्ताव स्वीकार किया है नई शिक्षा नीति में, हम उसका स्वागत करते हैं, और लोकल भाषा में पढ़ाई होगी उस बात का भी उन्होंने स्वागत किया। भूपेश बघेल जी बोलते हैं इससे हमारे बच्चों की आइडेंटिटी खराब हो जाएगी, उनका विकास बाधित होगा, और ये चिट्ठी लिखते हैं वो भी स्वतंत्रता दिवस के दिन, ये चिट्ठी लिख के जनता को गुमराह करते हैं, ये सब कोई चीजों का औचित्य नहीं है, ये कहीं नए शिक्षा नीति में स्पष्ट है, आठवीं अनुसूची की आवश्यकता नहीं है, जो चीज मेरे कांग्रेस मित्र समझ ले कि 12वीं तक का नहीं है और आठवीं अनुसूची की आवश्यकता नहीं है, उसके बगैर भी आप शिक्षा दिलाएंगे ये केंद्र सरकार ने कहा है, उसके बाद भी आप कहिए वो अपनी जगह है, लेकिन यह बयान करना, यह बयानबाजी देना, इससे शिक्षा बाधित होगी,
और नई शिक्षा नीति का विरोध करना और उस लाइन पर पीछे से एंट्री करना, एक मंत्री कुछ बोलता है मुख्यमंत्री कुछ और बोलते हैं, ये सिवाय राजनीति करने के छोड़ इसका राजनीतिकरण किसने स्टार्ट किया? सरकार ने बोला स्वागत करना खत्म, केंद्र सरकार ने कहा केंद्र सरकार की शिक्षा नीति जारी नहीं हुई, विरोध का स्वर शुरू, राजनीति किसने करना है? शिक्षा नीति को पढ़े नहीं है, पहला लाइन विरोध का शुरू, कितना बड़ा शिक्षा नीति है किसी ने देखा? अगर यही चीज लॉर्ड मैकाले ने उस वक्त सोच ली होती ना नरेश गुप्ता जी, यही चीज अगर लॉर्ड मैकाले ने उस वक्त सोच ली होती एजुकेशन को लेके, तो शायद आज भारत में कोई भी पढ़ा लिखा नहीं होता, सब अंगूठा छाप होते अगर लॉर्ड मैकाले ने सोच लिया होता। और उसी धर्रे पे आज तक आप लोग चल रहे हैं, आप लोग आज तक तो एजुकेशन सिस्टम को सुधार नहीं पाए हैं। आनंद जी, लॉर्ड मैकाले ने तो 17 साल एजुकेशन के लिए दे दिए, 17 साल एजुकेशन के लिए दे दिए, तमाम रूल बना दिया, लेकिन उसके बाद हम स्थिति देख रहे हैं कि कुछ परिवर्तन होता नहीं दिख रहा है। अगर डायरेक्ट सरकार के हाथ में अगर ये चीज है कि वो अपनी छत्तीसगढ़ी भाषा में, अपनी रीजनल लैंग्वेज में अगर एजुकेशन को स्टार्ट करवा सकता है, तो इफ एंड बट की तो जरूरत ही नहीं, क्यों नहीं स्टार्ट कर देते लोकल फॉर वोकल के तौर पर, आप लोग क्यों नहीं शुरुआत कर देते? देखिए, छत्तीसगढ़ी एक भाषा के रूप में छत्तीसगढ़ में पढ़ाई जा रही है, इसके अलावा छत्तीसगढ़ी भाषा हमारे जो छत्तीसगढ़ का लोक सेवा आयोग है उसमें एक छत्तीसगढ़ी भाषा की एक पर्चा अनिवार्य किया गया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि हम अपने बच्चों को जो प्राथमिक स्तर की शिक्षा और माध्यमिक स्तर की शिक्षा छत्तीसगढ़ी भाषा में देते हैं, तो यह आवश्यक है कि वो कंपेयर करें देश भर के लेवल में, ग्लोबल जो ग्लोबल कंपटीशन होगा उसमें हमारा बच्चा आगे आए, इसके लिए आवश्यक है कि उस भाषा की मान्यता मिले। हम यही तो चाह रहे हैं ना कि भाई देश की जो आठवीं अनुसूची उसमें छत्तीसगढ़ी को शामिल कर लिया जाए, और शामिल करने में कोई हमारा भाषा नहीं है, हमारा समृद्ध साहित्य है, छत्तीसगढ़ी भाषा को प्रमोट करने के लिए अपनी बातें कर रहे हैं, और साथ ही मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को भी पत्र लिख रहे हैं। आप ये मत भूलिए जब कांग्रेस के तमाम स्पोक पर्सन आते हैं तो जब वो इंटरेक्ट करते हैं तो अंग्रेजी के अलावा और कोई सी दूसरी भाषा का इस्तेमाल नहीं करते हैं, ये भी मत भूलिए। तो डुअल स्टैंडर्ड तो है ना सर, अब कैसे करिएगा? देखिए सुनिए ना, कैसे करिएगा? यदि आप अनुमति दे तो मैं छत्तीसगढ़ी में आपसे डिबेट करने को तैयार हूँ, पहली बात। दूसरी बात यदि आप नेशनल में करेंगी, अब आपके एंकर ये सवाल करेंगे तो स्वाभाविक है कि यदि उनको अंग्रेजी का ज्ञान है तो अंग्रेजी में बोलेंगे, भाषा में हिंदी भाषा में होगा तो हिंदी भाषा में होगा, वो दूसरा विषय है महोदय। लेकिन मेरा ये मानना है कि हमारी छत्तीसगढ़ी भाषा छत्तीसगढ़ी भाषा जो है निसंदेह सरल भाषा है, सरल भाषा है, हमारा क्लेम बनता है आठवीं अनुसूची में शामिल होने का, हमारे प्रदेश की 82% जनसंख्या इसका उपयोग करती है, हमारा साहित्य समृद्ध है, हमारे देखिए हमने राजभाषा क्यों नहीं कुछ ऐसा कर लिया जाता? हम अपने बच्चों को पढ़ाने ऐसा कर लिया जाता कि मुख्यमंत्री है आप बोला ना हम पढ़ावे बच्चा मल्ला नहीं पढ़ा, लड़का वाला नहीं पढ़ा, विकास रुक गया। अरे हल्ला मत करो यार, तुम्हारे जैसे लोग छत्तीसगढ़ के विरोधी है, आपके जैसे लोग छत्तीसगढ़ के शोषक है, क्यों नहीं चाहते और छत्तीसगढ़ी भाषा राजभाषा में शामिल हो? क्यों आपको इतनी नफरत है? क्यों रमन सिंह जी और गुप्ता जी आपको नफरत है? क्यों छत्तीसगढ़ी भाषा से इतनी ताकत देखते हैं आप? इसी छत्तीसगढ़ में गांधी जी करते हो और छत्तीसगढ़ी भाषा से आपको नफरत होती है? कहीं ना कहीं रमन सिंह का जो सामंतवादी सोच है, भारतीय जनता पार्टी की जो चाटुकारिता की सोच है, नरेंद्र मोदी नाराज ना हो जाए, अरे 9 सांसद जीत के गए हैं, चिट्ठी लिखो 8वीं अनुसूची में शामिल करने का विरोध क्यों? क्यों विरोध करते हो? क्यों छत्तीसगढ़ से नफरत करते हो? भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ से इतनी ज्यादा नफरत क्यों करती है? छत्तीसगढ़ के चीज त्योहारों से नफरत क्यों? 15 साल में छत्तीसगढ़ की संस्कृति को बर्बाद कर दिया हमने, 15 साल में छत्तीसगढ़ की अस्मिता को आपने ताक पे रख दिया, और आज जब छत्तीसगढ़ी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल होने की बात कर रही है तो आप 3-13 की बातें करते हैं? शर्म मानी चाहिए आपको, शर्म मानी चाहिए एक राजनीतिक दल के रूप में। आप जनता को क्यों दिखाओगे? जनता को कौन सा मुंह दिखाओगे आप? क्लास टू की क्लास नहीं चल रही है, स्कूल में कोई प्राइमरी सेक्शन की क्लास नहीं चल रही है, दोनों ही नर्सरी का बच्चा बुला लिया आपने, दोनों ही सवाल आप पूछ रहे हैं बता रहा
दोनों ही राजनीतिक दलों से मैं यही कहना चाहूंगी कि जब प्रदेश बताइए आप सवाल कर रही हैं भाषा पे बता रहे हैं कोरोना में मुख्यमंत्री निवास की घेराबंदी क्यों हुई, ये तो मानसिक स्तर है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष। अगर सुशील आनंद जी अगर ये बात होगी भाषा की बात होगी तो सवाल फिर ये भी किया जाएगा कि क्वारंटीन सेंटरों में सांप निकले, क्वारंटीन सेंटरों में लोगों को खाना नहीं मिला, कहाँ बहस को लेके जा रहे हैं। यदि सुनिए मैं कंक्लूडिंग रिमार्क लेना चाहूंगी क्योंकि अब मेरे पास वक्त नहीं है। मनोज जी कंक्लूडिंग रिमार्क बता दो मनोज जी, छत्तीसगढ़ी भाषा पढ़े हुए निकाल के देखिए अभी इसका क्या मतलब है। अरे ये गुप्ता को ज्ञान नहीं है, बोलते हैं कि कैसे घेरा किया गया है मुख्यमंत्री निवास का। ठीक है थोड़ा सुशील आनंद जी थोड़ा सा पानी पी लीजिए, थोड़े से नॉर्मल हो जाइए, पानी पी लीजिए। कंक्लूडिंग रिमार्क बघेल साहब। नहीं हम एकदम नॉर्मल हैं गुप्ता जी की बीपी बढ़ गई है। ठीक है कोई बात नहीं, अभी पानी पी लीजिए। मनोज जी 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 इसमें बात यही है कि अभी सभी की यही इच्छा है कि जिस तरह से नई सरकार आई, सरकार के मुखिया के तौर पर मुख्यमंत्री ने बहुत अच्छे अच्छे उदाहरण पेश किए कि और दिखाया कि कैसे छत्तीसगढ़ी संस्कृति और भाषा से उनका प्रेम है। अभी हालत यह है कि कई सारे आईएएस अधिकारी जो है वो छत्तीसगढ़ी भाषा सीख रहे हैं, ट्रेनिंग ले रहे हैं, वो भी मंचों पर मौका पाते ही छत्तीसगढ़ी में बोलने लगते हैं। तो निश्चित तौर पर शुरुआत अच्छी हुई है, लेकिन हम इस शुरुआत को पूरी तरह से सफल तभी मानेंगे जब छत्तीसगढ़ी में प्राथमिक स्तर पर पढ़ाई का माध्यम बने। और उसके लिए जो प्रयास उन्होंने किया है आठवीं अनुसूची में छत्तीसगढ़ी को शामिल कराने के लिए जो पहल की है, ये पहल यदि सफल होता है यही हम भाजपा से भी यही निवेदन करेंगे कि वो भी सम्मिलित प्रयास करें और आठवीं अनुसूची में छत्तीसगढ़ी को शामिल करने के लिए पहल करें। और जब छत्तीसगढ़ी भाषा में पढ़ाई लिखाई शुरू होगी, छत्तीसगढ़ी जो साहित्यकार हैं लेखक हैं उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलेगा, जब छत्तीसगढ़ी भाषा में कोई लड़का आगे 2007 में जो कारवा आप लोगों ने शुरू किया था, अगर 2020 में उस कारवा को अंजाम अगर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दे रहे हैं तो मुझे लगता है दोनों ही पार्टियों को अपना राजनीतिक द्वंद्व खत्म कर देना चाहिए। प्रदेश हित के लिए और प्रदेश की जनता के लिए दोनों को हाथ मिला लेना चाहिए। बस मैं यही कहूंगी कि दोनों को हाथ मिला लेना चाहिए। देखिए शुरुआत आपने की थी, अंजाम अगर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वो अगर अंजाम तक लेके जाएंगे तो भाई क्रेडिट आपको भी मिलेगा, प्रदेश की जनता आपको भी याद रखेगी, आपके बलिदान को भी। इसलिए ये जो राजनीतिक द्वंद्व है इसको खत्म करके कुछ मुद्दों पर एक साथ खड़े हो जाना चाहिए। बहुत शुक्रिया मनोज जी हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए, बहुत शुक्रिया नरेश गुप्ता जी चर्चा में शामिल होने के लिए, सुशील आनंद जी बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए, रमेश शर्मा जी हमारे साथ लगातार चर्चा में बने रहेंगे। बात छत्तीसगढ़ की संस्कृति की है, बात भाषा को मान और सम्मान दिलाने की है, लेकिन इस पर समर्थन की जगह अगर सवाल उठाए जाएंगे तो ये मुद्दा बनेगा। और आज हमने इसी मुद्दे को बनाकर गंभीरता से चर्चा करने की कोशिश की, आपने देखा, लेकिन दोनों दलों ने इस पर सकारात्मक जवाब देने के बजाय एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप ज्यादा ही लगाए हैं। अगर सियासत यूं ही होती रहेगी तो भाषाई अस्मिता पर पक्ष और विपक्ष साथ नहीं आएंगे, तो तस्वीर वही पुरानी होगी। बहरहाल